गाइस देखो मैं फाइनली ब्लॉक पे आ चुका हूँ और ये देखो हम लोग थोड़ा सा नदी उदी पार करेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है। और जैसे कि देख लो सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम में काफ़ी मज़ा आता है। और देख लो है ना, काफ़ी यार आजकल जैसे कि बरसात का मौसम है तो सारे जगह झरना नदी उदी सब कुछ भर गया है। और फाइनली हम लोग आज आए हैं फाइनली आम तोड़ने और काफ़ी मज़ा आएगा आज, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ब्लॉग पे बने रहो यार, काफ़ी मज़ा। तो हाय एवरीवन, मैं आ चुका हूँ थोड़ा सा आउटडोर सीन में और अभी फाइनली सुबह का टाइम है तो आप लोग का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस जैसे कि देख लो मैं दत्वन कर रहा हूँ, तो अभी मेरे साथ है छुटकू, जैसे कि देख लीजिए है ना। और थोड़ा सा काफ़ी मज़ा आएगा आप लोग को ये ब्लॉग में और ब्लॉग को पूरा एंड तक जरूर देखना। और चैनल पे आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं सुबह सुबह उठ के ही ब्लॉग बना रहा हूँ तो ये ब्लॉग आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पे। और ऐसे ही आपको ब्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ब्लॉग पर बने रहो है ना, तो काफ़ी मज़ा आएगा यार इस ब्लॉग में। तो चलो बढ़ते हैं। हाँ तो गाइस ये देखो छोटा बच्चा जा रहा है और देख लो आप लोग नदी में कमेंट मत करना कि ये नदी में नहीं बहेगा, क्योंकि थोड़ा सा अभी झरना कम है और क्वालिटी भी कम है इसलिए। तो ये छुटकू जा रहा है और मैं भी इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो खैर कि मज़ा तो काफ़ी आता है और मैं पूरा हाफ पैंट में हूँ और इसलिए काफ़ी मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा बालू उलू है और आप लोग कभी ऐसे जगह में जाते हो तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो और यहाँ पर कभी कभी तो मछलियाँ भी आ जाती है और इसलिए मज़ा बहुत आता है। वो देखो छोटा सा झरना भी है, मैं आप लोग को कोशिश करूँगा कि वो छोटा सा झरना दिखाने की, लेकिन आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर छोटा सा झरना है और मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ कि तो आप लोग झरना देख सको। ये देखो झरना और काफ़ी मज़ा आएगा, देख रहे हो ना। मैं पूरा जूम कर दिया हूँ, जितना मेरा कैमरा कैप्चर कर सकता है मैं उतना जूम कर दिया हूँ। और चलिए ब्लॉग पर बने रहो है ना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम लोग इधर चलते हैं आम खाने के लिए और इधर नदी है, काफ़ी मज़ा आता है। थोड़ा सा मैं घुस गया हूँ है ना, चलो। बरसात के मौसम में ही काफ़ी मज़ा आता है, चलो। गाइज़ आप लोगों को मज़ा आया होगा झरना नदी देख के। और फाइनली हम लोग आम तो तोड़ने जाएंगे ही, इसलिए वीडियो को बने रहो यार। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि आपको इसी तरह का ब्लॉग मिलते रहेगा। और फाइनली मैं बताना चाहूँगा कि मैं ऐसे तो मूवीज़ का अपडेट देता हूँ और मुझे मूवीज़ का अपडेट देने में काफ़ी मज़ा आता है। और वो मेरा मेन चैनल है और ये तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, तो मैं इस पर पर्सनली ब्लॉग का ही शूट करता हूँ और जितना भी मेरे से ब्लॉग व्लॉग शूट हो पाता है मैं वो सब ब्लॉग बनाता हूँ। तो गाइज मैं थोड़ा सा आउटडोर पे आया हूँ, मतलब थोड़ा सा गांव देहात पे आया हूँ। तो फाइनली ये मेरा ही गाँव है और मैं आया हूँ थोड़ा सा इधर, सुबह सुबह का टाइम है अभी फाइनली, कितने बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं और मैं शूट पर लग गया। मैं सोचा कि चलो एक आध वीडियो बना दिया जाए, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। और बरसात का मौसम है तो काफ़ी मज़ा ही आता है बरसात के मौसम में। तो आप लोग बताओ कि आप लोग कभी अगर जिनका भी गांव देहात है आप लोग गए हो तो काफ़ी मज़ा आएगा। और देखो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आम सब गांव में तो आम सब का गिनती ही नहीं यार, बहुत सारे आम यहाँ पर मिलते हैं। और टाउन में तो एक ज़रा भी आपको आम खरीद दिखाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊँगा कि काफ़ी मज़ा आता है। हाँ तो गाइस देख लो आम उम, और यहाँ पर थोड़ा सा आम उम ऐसे गिर जाता है ना, तो यहाँ तो क्या बोलेंगे भैया, कुत्ता भी नहीं पूछता है, सीधी सी बात है। और ये आम का पेड़ है, काफ़ी मज़ा आता है ना। तो एक ही नहीं है, बहुत सारे आम के पेड़ हैं, मतलब हज़ारों के तादाद में है, लेकिन अभी थोड़ा सा और बढ़िया ये थोड़ा सा उतना टेस्ट नहीं है आम में, लेकिन फिर भी काफ़ी मज़ा आएगा। और हम लोग चलेंगे अभी धीरे धीरे। और ये मेरा देखो छोटा भाई और ये काफ़ी मज़ा ले रहा है पानी पे, चलो। और अपन लोग धीरे धीरे इधर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और काफ़ी जंगल झाड़ी हार होश, काफ़ी मज़ा आता है बारिश में चलने का, है ना। और ये छुटकू, ये छोटा 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 छोटा, अरे ये ले जा रहा है मेरे को आम के पेड़ों पास, काफ़ी मज़ा आता है। पर्सनली शायद मैं ही चढ़ने वाला हूँ, क्योंकि अभी चाचा गए हुए हैं उधर और ये छुटकू शायद ये आम खाएगा।
क्या रे आम खाए रे तो आप लोग आवाज़ सुन रहे हो क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, झरना उरना गिर रहा है, तो मतलब जितना भी पानी उनी भरा हुआ है डैम पे या जहाँ नहीं पानी भरना चाहिए वहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को झरझर झरझर टाइप का आवाज़ दे रहा है, क्योंकि सारे तरफ से छेका हुआ है। मैं मतलब पूरा गोल गोल नदी है और नदी के बीच में मैं हूँ अभी, इधर उधर पूरा तरफ नदी है इधर उधर, तो इसलिए आपको वैसा दिख रहा होगा, मतलब आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो काफ़ी मज़ा आता है यार ऐसा सीन में और जंगल जुड़ास में, सुबह का टाइम है तो काफ़ी मज़ा आ रहा है।